अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि गहमा गहमी बहुत ज्यादा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पे कल की समाप्त के सिलसिले में बढ़ी हुई है और लोग अपने अपने अंदाज में और अपने अपने ख्यालात के मुताबिक, अपने अपनी सोच और अपने अपने जज्बे के मुताबिक अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन चूंकि मैंने वही हमेशा बातें की है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के हक में हो और लोगों को राहत पहुंचाने वाली बात हो, कंपनी को खड़ा करने में कामयाबी मिले और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो एक मुस्लिम मईशत और सूद से पाक तिजारत का एक नारा है वो बुलंद हो और बुलंदतर होते हुए वो अपने काम गाम को, सूद से पाक तिजारत को, मुस्लिम मईशत को वो परवान चढ़ाए, ऐसी मेरी हमेशा से नीयत रही है। बहुत सारी अपडेट्स जा चुकी हैं, कुछ ऑडियो के सिलसिले में, कुछ वीडियो के ताल्लुक से, लेकिन चूंकि अभी सवालात का सिलसिला जारी है, लोग देखिए, जब किसी भी तरह के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कामयाबी का मसला करीब आता है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी कामयाबी के मरहले में कामयाबी पाता है, तो लोग जो है, जो एक किसी न किसी तरह से किसी ताकत के तहत एक्टिव किए गए हैं, वो बहुत ज्यादा निगेटिविटी में मुतहर्रिक हो जाते हैं। उनकी कोशिश ऐसी होती है कि अब यहां से काम ना बनने पाए और यहां से कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाए, उनकी कोशिश ऐसी होती है। उनकी कोशिश क्यों होती है, किन लोगों के जरिए से होती है? दरअसल मैं बताऊं, मार्केट में कुछ लोग ये होते हैं कि अपने शहरों से निकलते नहीं हैं, बहुत महदूद जिंदगी जीते हैं, लेकिन तजर्बा की बुनियाद पर मैं आपको बताऊं कि जो जमीनों के हड़पने वाले लोग होते हैं वो इस जाल को बुनने में मार्केट में लगे रहते हैं कि किसकी जमीनें हड़पनी है और किस तरह से उसका जाल बुनना है। तो ये जमीन माफिया जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जमीनों पर और उस शख्स पर ऐसा जाल फेंकते हैं। बहुत सारी मिसालें आप देखेंगे जिनको आप जालिम समझते हैं, जिनको आप जाबिर समझते हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। उसकी मंशा जो है, बहुत सारी मुस्लिम कंपनियां जैसे कि आईएमए है, इंजाज है और अल्फलाह है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां वो आई खड़ी हुई, लेकिन जब उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू किए और अपनी तरक्की के मनाजिल तय करने शुरू किए तो जमीन माफियाओं ने, गलतकार लोगों ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, प्राइम लोकेशन पर जो जमीनें होती हैं उन पर वो किसी न किसी तरह से अपना एक हथकंडा अपना लेते हैं और उस पर कब्जा जमाने की, अपना इंक्रोचमेंट की कोशिश शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, वो मामला मुकदमे में जाता है, वो मुकदमे में जाने के बाद उस पर, उस आदमी को, उस कंपनी को पूरी तरह से गलत साबित करने के लिए वो खुद, वो लोग और डिपार्टमेंट्स को मिला करके, इंतजामिया को मिला करके और कुछ इस तरह के बिचौलियों को मिला करके, जैसे कि मुनव्वर राणा साहब कहते हैं ना कि हैदराबाद में एक जो है ओएसी के बारे में कहते हैं कि ये हुकूमत वक्त का हरकारा है। हरकारा मतलब, पहले वो बताते हैं मुनव्वर राणा साहब कि पहले वक्तों में क्या हुआ था कि बादशाह निकलता था शिकार के लिए, उसके बाद अपने सिपाहियों को भेज देता था जंगलों के अतराफ में, वो वहां से वो हल्ला करते हुए आते थे, जानवरों को खदेड़ करके लेकर के आते थे और बादशाह जिस सिमत में होता था उन रेवड़ों को, उन जानवरों को वहां इकट्ठा कर देते थे। उसके बाद वो बादशाह जो है बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेता था। तो ये जो जमीन माफिया होते हैं, जिन सारी कंपनियों को मैंने गिनाया, वो कहीं ना कहीं एक काम करने के लिए आई हुई होती है, उनको ये इसी तरह से अपने हरकारों के जरिए से लगाते हैं ताकि वो दूर से वो शिकार करके लेकर के आए, उन हाक करके लेके आए। और ये जो है, जो बादशाह है, जो हुकूमत, जो वक्त का फिरौन होता है, वो उनका शिकार कर लेता है। ठीक वही चीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से चलाई गई और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये जो है मतलब बावर कराया गया लोगों के सामने, अवाम के सामने, बैर के सामने, डिपार्टमेंट के सामने, यहां तक कि कोर्ट कचहरियों के सामने कि इनकी जमीनें ये पैसा देना नहीं चाहती हैं, इनकी जमीनें हम ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन मतलब इनकी बोली लगाएंगे। अब वो जो हरकारे होते हैं वो हाथ करके लेकर के आते हैं, अब बोली लगाया जाता है तो ये जो जमीन माफिया होते हैं ये 100 रुपए की जमीन को 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में खरीद लेते हैं और पूरा ये जो जत्था होता है हरकारों का, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो मकानी जो है नेता हो, चाहे ये छोटे 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 वो जो होते हैं, इनके जरिए से फिर इन लोगों में कुछ रकम बांट दी जाती है और फिर ये जो है ऑक्शन करके, उसकी बोली लगा करके उसको 100 रुपए की जमीन 5 रुपए में, 10 रुपए में खरीद लेते हैं। ठीक इसी तरह से कल ये बात भी आई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से,
सामने के फरीक के लॉयर्स ने यह कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जमीनों को क्यों ना ऑक्शन कर दी जाए, यानी कि बोली लगा दी जाए, उसकी बोली लगा करके लोगों में औने पौने फरोख्त कर दिया जाए। तो जज साहब ने कहा, बड़े बर्मला अंदाज में कहा कि क्या ये पैसे इन्वेस्टरों तक पहुंच पाएंगे। तो इस बात पर वहां पूरे जो है कोर्ट अहाते में पूरी पूरा कहा का समय बढ़ गया, आप लोग देखेंगे वीडियो लाइव में। तो जज साहब ये कहते हैं कि क्या ये पैसे पहुंच पाएंगे। यही चीज आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने शुरू से कोशिश की कि मैं कैपेबल हूं, मैं इस बात के हकदार हूं, मेरे साथ लोगों ने मुआहदा किया, मैं कहीं से कहीं तक ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि लोगों के पैसे ऑक्शन, लोगों की जमीने पैसों से बनाई गई जमीने वो ऑक्शन हो। मैं मामले के करने वाली हूं, मैं ही दूंगी, किसी तरह से ऑक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज कल कोर्ट में भी आई, बहुत सारे मामले 48-49 मिनट तक कार्रवाई चली, उस कार्रवाई में बहुत सारी बातें आई। अभी जब कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जब अपलोड होगा साइट पर, उसके बाद अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा खुद जो है तमाम बातों को वाजह करने के लिए अपनी वीडियो बनाएंगी। लेकिन मैं चूंकि आप लोगों को अपडेट रखना चाहता हूं कि अब आपकी कामयाबी मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर तरह से जो है आप लोगों की कामयाबी आपका कदम चूमती है, आप लोगों के सब्र और आप लोगों की दुआओं के लिए कंपनी जो है बहुत बहुत ज्यादा ममनून और मशकूर है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप के लिए इंतजाम के लामहदूद दरवाजे खोल दिए हैं। अभी तक सिर्फ एक प्रॉपर्टी पर मामला था जिस पर कि तनाजा लोगों ने खड़ा कर रखा था, फर्जी तनाजा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया है कि किसी भी जरिया से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी भी जायदाद को, यानी कि अगर 100 प्रॉपर्टी है तो 100 प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से मामला करके किसी भी हद तक जाकर के वो पैसों का अरेंजमेंट कर सकती थी। इससे पहले मामला क्या था, सिंगल प्रॉपर्टी को बेच करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करने का। तो तनाजा में या किसी भी तरह से अफवाह के मामले में खड़ी हुई जमीन को कोई खरीदने के लिए आता है, अगर जैसे कि पिछले दिनों एक शख्स, एक साहब आए और वो बदजन होकर के चले गए, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को महसूस करते हुए ये कहा कि आपके लिए दरवाजे अब खुल जाते हैं, आप तमाम प्रॉपर्टियों को जिसमें जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहें, जिस प्रॉपर्टी का मामला करना चाहें, जिस भी जरिया से लाना चाहें, जिस भी तरह से इंतजाम करना चाहें, आप इंतजाम करें और इतने दिन का वक्त आपको दिया जाता है। लिहाजा इसी चीज को आप लोग मद्देनजर रखिए। यही फैसला, यही मामला तमाम तरह से एक टारगेट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, यही फैसला तमाम इन्वेस्टरों के मसले को हल करने वाला है। लेकिन जो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ मकसद है उनका कि मामला बदनामी को पहुंचे। मामला बदनामी को पहुंचेगा तो मामला जो जमीनों पर करना है, जो इंतजाम के करना है, जो कलेक्शन के करने हैं, या जो किसी भी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को करने हैं, वो नहीं हो पाएंगे, लोगों की ऐसी मंशा है। लेकिन अब सिर्फ हैदराबाद का मामला नहीं कि हैदराबाद की प्रॉपर्टी को फरोख्त करके लोगों के पैसे देने हैं, अब पूरे मुल्क में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जितनी जमीन है, जितनी जायदाद है और जितने भी तरह के सोर्सेज है, उसके जरिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इंतजाम करके लोगों के पैसे देने के लिए अब पूरी तरह से उनके हाथ खुल गए हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि सैकड़ों दरवाजे वहां हो गए हैं, ओपन हो गए हैं, खुल गए हैं, अभी तक सिर्फ एक दरवाजा था, यानी कि लामहदूद दरवाजे खोल दिए हैं, न सिर्फ प्रॉपर्टी की और दीगर भी किसी भी तरह से। और ये भी शर्त हटा लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करना, ये भी शर्त खत्म हो गया है। आप इंतजाम कीजिए, कहीं से कैसे भी करके इंतजाम कीजिए, आपके हाथ में है, आपको लेनदारी और देनदारी करनी है। ऑक्शन के डिमांड को, ऑक्शन के मुतालबे को, डिपार्टमेंट के ऑक्शन के जो है मशवरे को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। तो अब कोई भी हो, सब लोगों के मसले इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। और अब इंतजाम के आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का कहना है कि मैं सिर्फ ये अमाउंट नहीं, इससे बेहतर अमाउंट भी कर सकती हूँ, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो है वो हमारे सर आंखों पर, हम बहुत जल्द इस चीज को इंतजाम करके आप लोगों को ये चीज दिखा देंगे कि हमारी नीयत शुरू से जो थी वही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फतह मैसर की है ये कहकर के कि ऑक्शन नहीं करना है, इनके हाथ का मामला है, इनकी कंपनी है, यही इंतजाम करें और इनके ही बस की बात है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा, दूसरा कोई शख्स करेगा ऑक्शन में और बोली लगा करके, तो उसको 100 रुपए की प्रॉपर्टी को 10 रुपए कर देगा और इस तरह से लोगों के पैसे नहीं मिल पाएंगे। लिहाजा हर तरह से राहत की खबर है, हर तरह से अच्छी खबर है। कल इब्तदाई दौर में लोगों ने इस कदर अफवाह फैलाया कि लोग बदजन हो गए, लोगों को ऐसा लगा वैसा लगा,
लेकिन बाद में जब लॉयर्स टीम से बात की गई, लॉयर टीम से मुलाकात की गई, तब जाकर के तमाम हकायक से पर्दा फाश हुए, पर्दा उठ गया। और यही हुआ कि जितने भी मामलात हैं, क्योंकि ये बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आज की थी, कल की थी, वो नई बेंच थी, लेकिन फिर भी पहले ही हियरिंग में जो फैसले किए हैं, जो ऑर्डर्स दिए हैं, जो मुतालबे किए हैं और जिस तरह के कमेंटमेंट्स किए हैं, वो लायक 27 और दिलो जान से कबूल करने लायक है। अलमा डॉक्टर नवरा शेख साहबा का कहना है कि ये मेरे लिए बहुत आसान टारगेट है। इंशाल्लाह ताला सरमायाकारों के लिए एक क्या, हजार क्या, सैकड़ों भी प्रॉपर्टी, हजारों प्रॉपर्टी, लाखों प्रॉपर्टी भी हो, तो उसको हम इंतजाम के दायरे में ला करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।